हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2023 में जो हायरिंग चल रही है 2024 के बैच के लिए, जो आईटी और कंप्यूटर साइंस रिलेटेड बैच है उसके हायरिंग ट्रेंड्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। पिछले जून फर्स्ट वीक से हायरिंग स्टार्ट की है और द चैलेंजेस व्हाट आई फील एंड व्हाट एवरीबॉडी इज फेसिंग इन द इंडस्ट्री दैट इस साल हायरिंग स्लो है, और आपको ये अग्री करना पड़ेगा कि हायरिंग स्लो है इंडस्ट्री में। एंड देयर आर सेवरल रीजन टू इट। अगर आप देखेंगे तो इस साल कई सारे ऐसे कंपनियां हैं जिन्होंने और कई लोगों को लेड ऑफ कर दिया है, कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने हायरिंग फ्रीज कर दी है, बहुत सी ऐसी कंपनियां भी हैं जिन्होंने जो लास्ट 2023 बैच जो पास हुआ है उनको अभी तक ज्वाइन भी नहीं करा। उनको ऑफर लेटर ऑफ इंटेंट दे दिया बट उनको ज्वाइन ही नहीं कराया। इन टर्म्स ऑफ विप्रो को देख लीजिए, इन्फोसिस ने जो अपना प्रमोशन है उसको डिले कर दिया है। सो देयर्स अ लॉट ऑफ यू नो बज अराउंड द इंडस्ट्री कि इस साल क्या होने वाला है इंडस्ट्री में और हायरिंग कैसी रहेगी। तो अगर आप मेरे एक्सपीरियंस की बात करो, देयर आर सेवरल रीजन टू इट। एक एक करके हम उन चीजों पर डिस्कस करेंगे। पहला जो मैं एक डाउनफॉल देख रहा हूं वो एक रिसेशन का भी डाउनफॉल है, जो कि आपको पता है कि यू नो यूक्रेन वॉर, यूएस के रिसेशन की वजह से पूरे वर्ल्ड वाइड रिसेशन का असर दिख रहा है, जिसकी वजह से जो बड़े बड़े एमएनसीज के पास जो प्रोजेक्ट थे वो उनको पूरी तरह मैच्योर नहीं हुए या टीम की साइज रिड्यूस हो गई, तो इस वजह से क्या हायरिंग आपको स्लो आ रही है। दी सेकेंड रीजन दैट आई फाउंड मोस्ट ऑफ द कंपनी जो आज की डेट में हायर कर रहे हैं वो स्मॉलर कंपनियां हैं, जो 10-20-15 लोगों को हायर करते हैं, जो 50-60-100 लोगों को हायर करते हैं वो लोग हायर कर रहे हैं। बट अगर आप मेजर हायरिंग की बात करें तो अभी भी कहीं भी हायरिंग ओपन नहीं हुई है। आप किसी भी कंपनी बात करो, आप कैपजेमिनी की बात कर लो, आप इन्फोसिस की बात कर लो, आप टीसीएस की बात कर लो, पैक्सावेयर की बात कर लो, किसी ने भी अभी तक अपनी हायरिंग ओपन नहीं की है। मोस्टली मुझे लगता है कि ये जो क्वार्टर अभी चल रहा है 2023 का, जो कि 2024 पासिंग आउट बैच के लिए है, ये इस साल स्लो रहने वाला है। तो मेरी ये सलाह है आप सबों से कि आपको जो अपॉर्चुनिटी सबसे पहले आती है आप प्लीज वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लीजिए, प्लीज वो ऑफर ले लीजिए। आप ये मत सोचिए कि ये फलाना कंपनी आएगी तो जाऊंगा या कोई और कंपनी आएगी। इस साल आपको चॉइसेस कम मिलने वाले हैं। जैसे कि मैंने एक रीजन बात की रिसेशन, दूसरा एक रीजन और भी मैं बताऊंगा आपको चॉइसेस कम क्यों होने वाले हैं। कि मुझे याद है लास्ट ईयर तक जब हम कभी भी कॉलेज में जाते थे तो यहां पर कई जगह 200 सीट्स होती थी आईटी कंप्यूटर साइंस मिला के, कई जगह 300 होती थी। इस साल मैं जिस भी कॉलेज में जा रहा हूं मोस्टली वहां पे जो कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांचेस है उसमें स्टूडेंट का इंटेक 700-800-600 तक पहुंच गया है। सो अगर मैं एक्चुअल सिनेरियो को देखूं तो जितनी भी कंपनियां हैं, ऐसा तो नहीं कि सारी कंपनियों ने स्ट्रेंथ को डबल किया है, बट इन टर्म्स ऑफ कॉलेज स्ट्रेंथ डबल हो गई है। जहां पे 200 लोग थे वहां पे 600 लोग 800 लोग आ रहे हैं। बट इन टर्म्स ऑफ अगर बड़े बड़े लार्ज ऑर्गेनाइजेशन की बात करो तो अगर आप देखो कि उनका लास्ट फाइनेंशियल क्वार्टर से इस फाइनेंशियल क्वार्टर में क्या नंबर ऑफ स्ट्रेंथ, जो नंबर ऑफ पीपल का स्ट्रेंथ क्या डबल हुआ है, नहीं हुआ है। तो अगर वो स्ट्रेंथ डबल नहीं हुआ है, दे डू नॉट हैव एनी प्लान टू डबल अप द नंबर, तो ये जो इतना बड़ा इनटेक आ रहा है ये कहां जाएगा। जो एक साथ एक कॉलेज से जहां 200 इंजीनियर 150 इंजीनियर निकलते थे, वहां से अगर नाउ यू हैव 600 इंजीनियर्स कमिंग आउट ऑफ दैट कॉलेज, हाउ एवरीबडी वुड गेट प्लेसमेंट। सो दैट्स अ क्वेश्चन एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। आज आपको कोविड की वजह से बूम हुआ, लोगों को अच्छे पैकेजेस मिले। ऐसा नहीं कि आज भी पैकेजेस नहीं मिल रहे, आज भी लोगों को पैकेजेस मिल रहे हैं, बट देयर इज अ लिमिटेशन टू इट। बट हम जब मास हायरिंग की बात करते हैं, जब पहले ऐसा तो एक कंपनी आती थी 200, 400, 300 लोगों को एक एक कॉलेज से ले जाती थी, क्या आज की डेट में पॉसिबल है? तो मैं आपको बता दूं नियर फ्यूचर में मुझे ये पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। आप जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपके पास जो भी कंपनी आ रही है, पहले प्लीज आप अपना 100% दो एंड ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, अदरवाइज आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। और मैं अगर फिर भी देखूंगा लास्ट क्वार्टर अगर इसका देखूंगा, शायद दिसंबर एंड मैं 2024 बैचेस के लिए शायद एमएनसीज कुछ ओपन करे, बट दैट्स ऑल्सो क्वेश्चन मार्क है अभी भी, क्योंकि अभी जब तक पुराने 2023 को वो ज्वाइन नहीं कराएंगे 2024 कैसे हायर करेंगे, तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। मोस्ट ऑफ द कंपनी चाहे वो टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, विप्रो हो, सबने हायरिंग फ्रीज की हुई है। और हायरिंग फ्रीज करने के पीछे रीजन आपको पता है, जो मैंने आपको बता दिया, रिसेशन है, यू नो दे हैव लॉट ऑफ स्ट्रेंथ ऑन बेंच, सो रादर देन हायरिंग दे आर वर्किंग ऑन अप स्किलिंग देयर पीपल, सो वो अप स्किल पे काम कर रहे हैं। तो ये डिफिकल्ट होने वाला है, ये ईयर आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। सो जो भी लोग 2024 में पास आउट कर रहे हैं, दूसरी चीज आई कैन सी दी सेंस ऑफ यू नो सीरियसनेस इज मिसिंग इन द स्टूडेंट्स।
अगर मैं कंपेयर टू जो बैच 23 में पास आउट हुआ उसकी सीरियसनेस की बात करूं जॉब को लेके और चीजों को लेके, और अगर मैं 2024 में सीरियसनेस की बात करूं उन चीजों को लेकर, तो बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। मुझे याद है लास्ट ईयर हम जहां भी जाते थे, जिस कॉलेज से हम 10-10 हायरिंग कर रहे थे, वहां से एक भी हायरिंग नहीं हो पा रही है, कहीं पे एक या दो हायरिंग हो पा रही है। इट्स नॉट अबाउट दैट कंपनी डजंट वांट टू हायर, इट्स अबाउट वी आर नॉट गेटिंग द टैलेंट। अगर वो टैलेंट नहीं मिल रहा है तो मुश्किल क्या है? सो योर यू नो योर फैकल्टीज, योर टीचर्स, योर पेरेंट्स, एवरीबडी इज ट्राइंग देयर बेस्ट टू यू नो गेट यू अ गुड जॉब, गेट यू अ गुड ऑफर, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू ऑल्सो पुट इन द एफर्ट। सो आज आप गियर अप कर लो, आज तैयार हो जाओ, नहीं तो मैं कह रहा हूं और मुझे जो दिख रहा है आने वाला फ्यूचर, आने वाले 6-8 महीने में आपके लिए बहुत मुश्किल दौर होने वाला है। इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी, इट इज नॉट गोइंग टू बी केक वॉक। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये भी चीज देखी, जो पुराने सीनियर्स है जो ऑलरेडी कहीं प्लेस हो गए हैं, वो उनसे फीडबैक ले रहे हो तो दे आर सेइंग नहीं इजिली हो जाएगा, ऐसा है वैसा है। जस्ट डोंट गेट इन टू दैट ट्रैप, लुक एट द रियल वर्ल्ड सिनेरियो। आप सोचो लास्ट ईयर तक इस टाइम तक, आप पूछो अपने ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट में जाके कि सर लास्ट ईयर तक इस टाइम तक कितनी कंपनी आई थी आपके कॉलेज में, और आज इस साल इस टाइम तक कितनी कंपनी आई आपके कॉलेज में, तो आपको वो डिफरेंस दिखेगा, आपको वो फर्क दिखेगा कि क्यों प्लेसमेंट नहीं है, क्यों प्लेसमेंट ड्राइव नहीं हो रही है, क्यों लोग कंपनियां नहीं आ रही है। तो आपको वो समझना पड़ेगा, कहीं ना कहीं मार्केट में स्लो डाउन है, कहीं ना कहीं स्लो डाउन चल रहा है मार्केट। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड थिंग, यू नो इट बेटर, और आप खुद को इसके लिए प्रिपेयर कर लीजिए, अदरवाइज आपके लिए बहुत डिफिकल्टी होना है। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से अबाउट दिस। एंड द सेकंड थिंग, अगर आप ऑफ कैंपस हायरिंग के भरोसे हैं तो मुझे तो नहीं लग रहा है, अगर आता है तो वेल एंड गुड, बट मुझे नहीं लग रहा है कि लास्ट ईयर की तरह कोई कंपनी ऑफ कैंपस हायरिंग के लिए ओपन होने वाली है। जो करेंगे वो ऑन कैंपस करेंगे, बिकॉज देयर इज अ रीजन टू इट। हर कंपनी जो है कॉलेज के साथ रिलेशन बनाना चाहती है, तो अगर उनको 50 लेना है तो वो कॉलेज से सीधा जाके लेंगे, ना कि ऑफ कैंपस करेंगे, ताकि नेक्स्ट ईयर जब उनको ज्यादा नंबर की जरूरत हो तो उनके साथ कॉलेज के साथ रिलेशनशिप बना रहे। सो ये इम्पॉर्टेंट है आपको समझना कि ऑफ कैंपस हायरिंग के भरोसे तो शायद आपके लिए डिफिकल्ट होगी लाइफ। सो एनीथिंग, एनी कंपनी कमिंग टू ऑन कैंपस, जस्ट गो एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। दैट्स व्हाट आई वुड से, दैट्स व्हाट माय सजेशन इज। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब, आई विल ब्रिंग सम न्यू वीडियोज फॉर यू। थैंक यू।